जिंद के रास्ते पटियाला संगरूर से दिल्ली कूच कर रहे किसानों के लिए की गई है टोल प्लाजा पर खाने पीने की व्यवस्था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वहीं डीएसपी जितेंद्र सिंह का कहना है कि किसानों के शांतिपूर्ण धरना देखते हुए टोल प्लाजा पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खटकड़ टोल प्लाजा पर मौजूद किसानों का कहना है कि किसान संगठनों के आह्वान पर 12 तारीख को पूरे देश भर में किसानों द्वारा टोल फ्री करवा दिया गया है। आगामी रणनीति के तहत 14 दिसंबर को देश भर में लघु सचिवालय व बीजेपी नेताओं का घेराव करेंगे। किसान यूनियनों की तरफ से आदेश थे कि भाई हरियाणा प्रदेश के सारे टोलों को फ्री करवाया जाए। आज सारी किसानों की जो वो थी वो आज सारे टोल फ्री करवा दिए गए हैं। दिल्ली के जाने वाले सारे रास्ते आज फ्री हो चुके हैं। पंजाब की तरफ से ज़्यादा वाहन जो टोलों पर जिनको दिक्कत आ रही थी वो आज सारी दिक्कतें दूर हो गई है। बिल्कुल आराम से सारे पंजाब की तरफ जाने वाले वाहन दिल्ली बिल्कुल आराम से जा रहे हैं। इस एरिया से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक भी हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए कि वो किसानों के पक्ष में कुछ नहीं बोल रहे हैं? भाई साहब, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को जो किसानों ने मैंडेट दिया था, उचाणा में डिप्टी सीएम 47,000 से जो जीते थे, वो ना कि उनका कोई पार्टी का मैंडेट था, वो किसानों ने अपने जेजेपी के पक्ष में वोट किए थे। लेकिन आज डिप्टी सीएम कुछ बोल नहीं रहे हैं, बिल्कुल बिल में छुप के बैठ चुके हैं। हम उनसे कहेंगे कि वो आए, कुछ ना कुछ तो किसानों के पक्ष में बोले, और अगर उनमें थोड़ा भी जमीर बाकी है तो अपना इस्तीफा देके और किसानों के साथ टिकरिया सिंधु बॉर्डर पे बैठे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों की लड़ाई लड़े। यहाँ पर हमने और भी किसान नेताओं से बात करी थी, जिनका कहना है कि आज हमने पूरे देश भर में टोल फ्री करवा दिया है और आगे की रणनीति यह होगी कि वह 14 तारीख को लघु सचिवालय में बीजेपी के सारे नेताओं का घेराव करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।